आज बनाएंगे दिवाली स्पेशल ऐसी मिठाई जिसे खाकर कोई बता नहीं पाएगा कि यह खोवा की मिठाई नहीं है। यहाँ मैंने लिया है 4 ब्रेड, इसके किनारों को काटकर हटा देंगे और इसे तोड़कर मिक्सर जार में डालकर इसका चूरा बना लेंगे। ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है, 10 से 15 मिनट में बन जाती है और बाहर से कुछ सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने बनाया तो मेरी मिठाई तो बस 2 दिन में ही ख़त्म हो गई, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इस मिठाई को। तो मैंने कढ़ाई में 1 कप यानी 250 ml दूध डाला है, आप चाहे तो कोई भी एक कटोरी ले लें, उसी से सारी चीज़ें माप कर डालें। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और हल्का सा दूध गुनगुना हो जाए, फिर मैंने उसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर 1/2 कप, जिस कटोरी से मैंने दूध लिया था उसी से 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, और डालेंगे शक्कर 4 से 5 चम्मच और डाल देंगे ब्रेड का चूरा। तो जो हमने ग्राइंड करके रखा था ब्रेड का चूरा, इन सबको हम चला लेंगे मीडियम फ्लेम पर और फिर इसी तरह से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये अच्छा सा डो ना बन जाए इसका। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारा डो तैयार होने वाला है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे किसी बटर पेपर पर जिसे हम पहले से ग्रीस करके रखे हैं घी से। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे हम इस तरह दबा दबा कर बटर पेपर से चिकना कर लेंगे और फिर दूसरे साइड का जो पेपर है उसे हम घी लगा के इस पर इस तरह फोल्ड कर देंगे और बेलन से इसे हम रोल कर लेंगे हल्का सा। तो देखिए इस तरह मैंने रोल कर लिया है और इसे हम खोल के देखते हैं जितना हमें मोटा पतला चाहिए बर्फ़ी उस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे और रख देंगे इसे फ्रिज में 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। फिर चलते हैं हम दूसरी मिठाई बना लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने 1 कप दूध डाला है, फिर उसी कप से 1/2 कप शक्कर डाला है, इन सबको बॉईल होने तक चलाते रहेंगे फुल फ्लेम पर। तो ये जो मिठाई है ना हमारी सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार होगी, इसमें हमें मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने जिस कप से दूध डाला था उसी कप से 1/2 कप शक्कर डाला है। दूध और शक्कर जब बॉईल होने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे फुल फ्लेम पर ताकि दूध और शक्कर अच्छे से घुल मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपने नहीं बताई कि ये किस चीज़ की मिठाई है तो सामने वाला बता नहीं पाएगा, एकदम खोए की बर्फ़ी वाली मिठाई लगती है। और ये मिठाई तो और भी अच्छी बनती है, ये जो दूसरी हम मिठाई बना रहे हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए हमने जो चूरा बना के रखा था, 4 से 5 ब्रेड का चूरा मैंने पहले से बना करके रखा था, मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई। तो इस ब्रेड के चूरे को हम डाल देंगे इसमें और इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम देखिए हमने मीडियम कर लिया है ताकि ये जले नहीं, और इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि इसका एक बढ़िया सा डो ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए हमारा डो भी अब तैयार हो गया है काफ़ी। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच देसी घी डाला है। अभी आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा इसकी चिपचिपाहट एकदम ख़त्म हो जाएगी और ये एकदम लचीली सी बढ़िया सी मिठाई बनकर के तैयार होगी। तो देखिए गैस हमने बंद कर दिया है और इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट में पहले से ही थोड़ा सा घी लगा लिया था, इसको मैंने बटर पेपर पर नहीं निकाला है, ये ऐसे ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से फैला लेंगे थोड़ा सा घी लगाकर और इसे और मेरे पास सूखा नारियल पड़ा था, इसको मैंने मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था। इस चूरे को इस मिठाई पर हम फैला देंगे। तो देखिए इस तरह से डेकोरेट कर लीजिए, कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मिठाई, बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये मिठाई।
इसे भी मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर के ये तैयार हुई है। आप अपने मन चाहे शेप में इसे काट सकते हैं। हमारी पहली मिठाई भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, इसे हम काट लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये मिठाई, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है, और स्वाद एकदम महंगा मिठाइयों वाला, पता ही नहीं चलता है कि ये हमने ब्रेड से बनाया है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इसे आप बादाम से या काजू से डेकोरेट कर लें। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बर्फी हमारी तैयार हुई है। एकदम खोए वाला स्वाद आती है इसमें दोस्तों। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा।